हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप। मैं हूं माही और स्वागत करती हूं मेरे चैनल हेल्थ एंड वेलनेस टिप्स माही में। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं मेरा हेयर के रूटीन शेयर करने वाली हूं। विंटर्स स्टार्ट हो चुकी हैं और बहुत सारी हेयर की प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी अपनी वीडियोज़ के जरिए। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ मैं अपने बालों का ध्यान कैसे रखती हूँ, कैसे इन्हें टूटने, झड़ने, कमज़ोर होने से बचाती हूँ, कलर कैसे करती हूँ, शैम्पू कंडीशनर कौन सा यूज़ करती हूँ और कब कब यूज़ करती हूँ, मेरा प्रॉपर हेयर केयर रूटीन पर ये वीडियो होने वाला है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके काम आ सकता है। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल पर गिव अवे चल रहा है, पार्टिसिपेट किया है कि नहीं किया है आपने, जाइए पार्टिसिपेट कीजिए। तो बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारे विंटर्स में बालों पे सबसे ज़्यादा परेशानी हो जाती है वो होती है डैंड्रफ की, इची स्कैल्प की। हमारे सर में बहुत सारी खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली वो डैंड्रफ की वजह से ही होती है, और ड्राइनेस हो जाती है उसकी वजह से भी। उसके अलावा हमारे बाल यहाँ से फ्रीजी हो जाते हैं, इस तरीके से ऊपर ऊपर उठने लगते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं। तो उसका सल्यूशन जो मैं अपने लिए करती हूँ, और एक्सपीरियंस से मुझे पता भी लगा है कि यही सबसे अच्छी चीज़ है, इसी से हम इसको दूर कर सकते हैं, तो वो है अपने हेयर को समय समय पर ऑयलिंग करते रहिए। मैं यूज़ करती हूँ ये फेगैरो का ऑलिव ऑयल, और ये बहुत ही बेस्ट है, ऑलिव ऑयल बालों के लिए बहुत अच्छा है। और ये तो आप खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, फेगैरो का मैं खाने में भी यूज़ करती हूँ और हेयर पर भी लगाती हूँ। एंड इसके अलावा ये ऑयल मैं अपनी आशवी के बालों में भी लगाती हूँ, जब वो हुई थी उसके बाल बहुत कम थे, लेकिन अभी उसके बाल अच्छे खासे हो गए हैं। तो इसको गैस पर कभी भी डायरेक्ट गर्म नहीं करना है, मैंने स्टील के बोल में, मेरा ना एक वीडियो है स्पेशली हेयर ऑयलिंग के ऊपर, तो वो वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको देखना हो इसको कैसे गर्म करना हो। वैसे बता देती हूँ, स्टील के बोल में इसको ले लेना है हमेशा ऑयल को, और गरम पानी एक बर्तन में लेना है आपको, उस पर इसको रख के, उस पानी में इसको रख के तेल को गरम करना है। स्टील का बोल ज़्यादा गरम हो गया था, इसके लिए मैंने इसको प्लास्टिक में ट्रांसफ़र कर लिया अभी। तो अभी क्या है, अभी ये सिर्फ तेल हल्का हल्का गुनगुना है। अगर आप सीधा इसको गैस पे गरम कर देते हैं, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उड़ जाते हैं। तो कभी भी ये गलती नहीं करनी है, स्पेशली तब जब आपको हेयर ऑयलिंग करनी है। और बालों में अपने तेल लगाना हो तो हमेशा ध्यान रखिए, इस तरीके से फिंगर्स पे ले लीजिए और धीरे 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 इस तरीके से मसाज कीजिए। तो आज मुझे हेयर ऑयलिंग करनी थी, ये वीडियो प्लान नहीं था बिल्कुल भी, तो मैंने सोचा अगर ऑयलिंग करनी ही है तो चलिए अपने हेयर केयर रूटीन जो मेरा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, विंटर्स में मैं क्या क्या करती हूँ, और ये मेरी ऑयलिंग भी हो जाएगी और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर हो जाएगी। एंड आप लोगों को अच्छे से बता भी दूँगी कि आपको कब कब करना चाहिए। विंटर्स में कम से कम एक बार आपको शैम्पू ज़रूर करना है, और ऑयलिंग तो विंटर्स में मैं डबल कर देती हूँ। समर का हेयर केयर रूटीन मेरा बहुत अलग है, विंटर्स का एकदम अलग है। क्या होता है, समर्स में ना बहुत चिपचिपी, बहुत ऑयली हो जाती है, तो उसकी वजह से अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो फेस के ऊपर पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ये सिर में तेल लगाने की वजह से भी। तो उस टाइम गर्मियों में थोड़ा कम होता है, फिर भी मैं वीक में एक बार ज़रूर करती हूँ, और विंटर्स में तो मैं दो बार करती हूँ, वीक में दो बार। इससे क्या होता है, इची स्कैल्प जो होती है वो चली जाती है, जो इचिंग होती है, जो बालों के ऊपर हमारे फ्रिजनेस आ जाती है वो चली जाती है, ड्राइनेस बिल्कुल चली जाती है। और सर्दियों में खासकर आपको बता दूँ, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो सिर्फ जड़ों में ही नहीं तेल लगाती हूँ मैं, अपने पूरे ये देखिए हेयर्स में भी लगाती हूँ, हेयर में अच्छे से लगाती हूँ और यहाँ तक अच्छे से लगाती हूँ। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, खासकर विंटर्स में, इससे आपके जो बाल हैं वो फ्रिजी नहीं रहेंगे, ड्राई जो हो जाते हैं एक्स्ट्रा वो नहीं रहेंगे। तो सिर्फ रूट्स में मत लगाइए, इस तरीके से जैसे हम स्पा करते हैं ना, उस तरीके से इसको लगाना है। तो मैं पहले लगा लेती हूँ, उसके बाद से आप लोगों के साथ मैं आपको बाकी का रूटीन अपना बताती हूँ। तो ऑयलिंग करने के अलावा और मसाज करने के अलावा आपको ध्यान रखना है कि बालों को जोर से नहीं खींचना है और टूटेंगे वो। दूसरा, आपको अपनी डाइट पर ध्यान रखना है, आपको आंवला अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है। आप आंवला का जूस पी सकते हैं, आप कच्चा आंवला खा सकते हैं, आप उसकी टैबलेट्स खा सकते हैं, लेकिन ज़रूर खाइए अगर आप अपने हेयर्स का टेक्सचर इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आपके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं। तो
तो अब ये मैंने कर ली है ऑयलिंग और अच्छे से अपने बालों में तेल लगा लिया है और इसको मैं कम से कम 1 घंटा रखूँगी और समर्स में 1 घंटा आधा घंटा जितना मुझे टाइम मिलता है रखती ज़रूर हूँ, लेकिन विंटर्स में मैं पूरी रात लगा करके छोड़ देती हूँ क्योंकि इसकी वजह से विंटर्स में क्या होता है पिंपल्स नहीं आते हैं इतने, समर्स में ज़्यादा आते हैं। तो विंटर्स में तो मैं पूरी रात लगा करके छोड़ देती हूँ, टाइम नहीं है किसी वजह से, रात को लगाना भूल गई हूँ, तो मैं सुबह लगा लेती हूँ और फिर आफ्टरनून तक इसको वॉश कर देती हूँ। और दूसरी चीज़, अगर आप अपने बालों को टूटने से झड़ने से बचाना चाहते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल मत कीजिए, गुनगुने पानी का इस्तेमाल कीजिए बालों को धोने के लिए। और सबसे लास्ट में आपको थोड़ा सा पानी लेके अपने बालों पर ठंडा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे क्या होता है जो फ्रिजीनेस आ जाती है ना वो चली जाएगी। जो फ्रिजीनेस सर्दियों में आती है वो सिर्फ़ और सिर्फ गर्म पानी की वजह से आती है, तो गर्म पानी का इस्तेमाल कम कीजिए। या अगर आपने गर्म पानी से अपने हेयर वॉश कर लिए हैं तो एक स्प्रे बॉटल लीजिए, उसमें ठंडा पानी डालिए और अपने पूरे बालों पर उसको स्प्रे कीजिए, उससे आपकी फ्रिजीनेस की समस्या दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो मैं यूज़ करती हूँ ट्रेसमे का ये वाला शैम्पू, ये सिल्क प्रोटीन एंड आर्गन ऑयल वाला है, सैलोन सिल्क फॉर ड्राई फ्रीज प्रोन हेयर, और ये बॉटल ख़त्म हो चुकी है। और मैं ये अभी से यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं ये 7-8 साल से ट्रेसमे का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ और हमेशा यही यूज़ करती हूँ। ये खाली हो गई है और ये अभी भरी हुई है, अभी जस्ट परचेज़ की है मैंने। एंड ये शैम्पू का प्राइस तो मैं आप देख लीजिएगा अमेज़ॉन पर या मार्केट पर, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। लेकिन ये शैम्पू जब से इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है ना मैंने, मेरे बालों का टेक्सचर एकदम मतलब बहुत अच्छा हो गया है। और एक चीज़ और बता दूँ, मुझे स्पिल्ट एंड्स की समस्या बिल्कुल भी नहीं है, मेरे बाल कहीं से भी दो मुहे नहीं हैं कहीं से भी। और जब मैं स्कूल में थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी, उसके बाद जैसे ही मैंने ये शैम्पू इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, इसका ये सिर्फ ये ब्लैक वाला बॉटल नहीं, इसकी बहुत सारी इसमें ऑप्शंस आती हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कीजिए, स्पिल्ट एंड्स की समस्या तो जाती ही है। और जितने भी ये क्लेम करते हैं ना, ये जो ब्रांड क्लेम करता है, ये सब चीज़ों पर खरा उतरता है। तो ये शैम्पू नंबर 1 पर है, 6 से 7 7 से 8 साल हो चुके हैं यूज़ करते हुए और मेरी सारी समस्याएं जो बालों की हैं वो दूर हो चुकी हैं, बालों का टेक्सचर इम्प्रूव हो गया है, बालों में थिकनेस आ गई है, स्पिल्ट एंड्स चले गए हैं। सेम इसी का मैं यूज़ करती हूँ ये कंडीशनर इसी का, और ये है स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्ट वाला कंडीशनर फॉर स्ट्रॉन्ग एंड रीसाइलेंट हेयर। तो ये कंडीशनर, इसका मैं सिर्फ इस ये बॉटल की बात नहीं कर रही, आप इसका कोई भी शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके सभी वेरिएंट्स यूज़ किए हैं और सभी के सभी बहुत अच्छे हैं। तो आपको जो भी आपके पास अवेलेबल हो मार्केट में, ऑनलाइन कहीं भी आपको मिले, आप कोई भी बेझिझक होकर परचेज़ कर लीजिए। ओके, अगर आपको ये वाला सूट नहीं करता है किसी वजह से, तो आप ये सनसिल्क का ये ब्लैक वाली जो बॉटल आती है कोक्रेशंस वाली, स्टनिंग ब्लैक शाइन, ये शैम्पू इसके टक्कर में है। क्या हुआ था, ये लॉकडाउन के दौरान मेरा ये शैम्पू ख़त्म हो गया था, तो फिर उस टाइम ये स्टॉक में नहीं था, उस वजह से फिर मुझे ये परचेज़ करना पड़ा था। और ये मैंने अपने कॉलेज टाइम में यूज़ किया हुआ था, तो ये भी शैम्पू काफ़ी अच्छा है, ख़त्म हो चुका है, इसमें नहीं है अभी, लेकिन उस टाइम के लिए मुझे परचेज़ करना पड़ा। ख़त्म हो गया तो फिर दूसरा परचेज़ करना पड़ा, तो ये मार्केट में बैक आ गया था, स्टॉक में आ चुका था, फिर मैंने अपना पुराना वाला ही ले लिया। लेकिन अगर किसी वजह से कोई भी रीज़न हो, अफोर्डेबल हो, अफोर्ड ना कर सकते हो, या आउट ऑफ स्टॉक हो, या आप नहीं आपको पसंद है, तो आप ये सनसिल्क का ये वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये यूज़ किया, मुझे ये अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा है ये। अगर मुझे ये दोबारा से ये आउट ऑफ स्टॉक रहा, मुझे नहीं मिला, तो मैं यही वाला परचेज़ करूँगी, बहुत ही बेस्ट है ये। उसके बाद मेरे सिर में डैंड्रफ हो गई थी, तो मैंने ये शैम्पू भी ट्राई किया था, ये है हेड एंड शोल्डर का एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तो ये क्या करता है, आज जैसे हेयर वॉश किए, कल तक आपके हेयर में, सिर में डैंड्रफ नहीं दिखाई देगी, लेकिन परसों से वो वापस आ जाती है। इसके लिए फिर मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया, अभी मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, ख़त्म कर चुकी हूँ इसको, लेकिन मैं इसको रिपर्चेज नहीं करती हूँ। उसके बाद मैं इस्तेमाल करती हूँ ये ट्रेसमे का डीप स्मूथनिंग मास्क है। इसको क्या करना होता है, ये इंडिया में अवेलेबल है, आप इसको ख़रीद सकते हैं, ये देखिए लास्ट टाइम यूज़ करने के लिए बचा है, और ये मास्क बहुत अच्छा है, कोई तामझाम नहीं है इसको यूज़ करने का, सिर्फ़ और सिर्फ शैम्पू किया आपने, बाथरूम में ही रहिए, उसी टाइम इसको अपनी हेयर पर लगा लीजिए और 3 से 4 मिनट के लिए अपने बालों पर इसको छोड़ देना है, बस इतना सही करना है। कोई स्टीम नहीं देनी है, कोई पैकिंग नहीं करनी है हेयर की, कुछ नहीं करना है, और ये 3 से 4 मिनट के बाद वापस से अपना हेयर वॉश कर लीजिए और देखिए बाल कितने अच्छे हो जाते हैं, एकदम सिल्की सॉफ्ट शाइनी स्मूथ हो जाते हैं इसको यूज़ करके।
तो ये मेरा पहला बॉक्स नहीं है इसके, जैसे मैंने कहा 6-7 साल से मैं इसका शैम्पू इस्तेमाल कर रही हूँ, वैसे ही मैं इसका ये मास्क भी इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको ये नायका पर मिल जाएगा, पैकिंग का कलर अलग होगा लेकिन सेम मास्क है। इंडिया में भी यूज़ किया है मैंने और बाहरीन में भी यूज़ किया है, तो इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। और इसको मैं यूज़ करती हूँ वीक में एक बार या 10 दिन में एक बार। जैसे आज वीक में एक बार अगर मैं नहीं यूज़ कर पाई, मैं भूल गई हूँ, तो 2-3 दिन के बाद जब भी मुझे याद आ गया मैं यूज़ ज़रूर करती हूँ। मतलब कम से कम मैं इसको 10 दिन के अंदर एक बार तो ज़रूर यूज़ करती हूँ। क्या करती हूँ, कंडीशनर तो यूज़ करती ही हूँ मैं डेली जब भी हेयर वॉश करती हूँ, और जिस दिन इसको इस्तेमाल करना है उस दिन कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है ये। उसके अलावा मैं करी पाउडर में दही मिक्स करके अपने हेयर पर लगाती हूँ। ये वीडियो मैंने इसके पहले शेयर कर दी है, वो वीडियो आप देख लीजिए मेरे चैनल पर। और ये पैक जो है काफ़ी अच्छा है, इसको यूज़ करने के बाद ना हेयर थोड़े से फ्रिजी हो जाते हैं, तो याद रखिए इसको यूज़ करने के बाद कंडीशनर ज़रूर लगाइए ताकि आपके जो बाल हैं वो फ्रिजी ना रहें। और ये भी याद रखिए कि करी पाउडर जो है वो सूखने के बाद भी बालों में से निकलता है, तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, सेम डे निकल जाता है। लेकिन हाँ, बालों का आपकी झड़ने की प्रॉब्लम और डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है वो चली जाती है। उसके बाद मैंने ये परचेज़ किया था एक हिमालय का एंटी हेयर फॉल क्रीम, ये आपको मिल जाएगी पर्पल पे, अमेजोन पे, नायका पे। बट ये क्रीम ने कुछ काम वाम नहीं किया यार, ये ना पैसे वेस्ट ऑफ मनी था, तो इसके लिए रिपर्चेज नहीं किया मैंने, क्योंकि हेयर फॉल में तो कुछ काम नहीं करता। हाँ, जब इसको अप्लाई करो तो उल्टा बालों का टेक्सचर ही बहुत अजीब सा हो जाता है, तो ये बहुत ही बकवास आइटम है, इसको आप कभी भी परचेज़ ना करें। अगर ट्राई करना चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं, तो बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, मैं रिपर्चेज़ भी नहीं करूँगी। और ये देख लीजिए मैंने यूज़ भी किया है इसको, बिल्कुल क्रीम के जैसे ही है, लेकिन इसको आप एज अ हेयर स्पा भी नहीं यूज़ कर सकते, एज अ हेयर क्रीम ही है ये, बट कुछ फ़ायदा नहीं करता यार। बालों का टेक्सचर स्मूथ, शाइनी, सिल्की कुछ भी नहीं होता, उल्टा चिपचिपे हो जाते हैं, तो इसके लिए मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया और रिपर्चेज भी नहीं किया। हाँ, इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ, एक बार ज़रूर यूज़ करती हूँ, ये एलोवेरा जेल है, ये हिमालय का है। इंडिया में आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, कोई भी एलोवेरा जेल, आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है अभी, इंडिया में जब मैं थी तो मैं फ्रेश एलोवेरा जेल ही लगाती थी, फिर तब मैं ये सब नहीं यूज़ करती थी, लेकिन यहाँ पर मेरे पास नहीं है अभी, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। ये हिमालय का है और ये नहीं अवेलेबल, लेकिन आप वहाँ पर पतंजलि का यूज़ कर सकते हैं या कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार इसको ज़रूर यूज़ करना है हेयर पर, वीक में या 10 डेज़ में एक बार ज़रूर यूज़ करना है, बालों को बहुत अच्छी शाइन देता है एलोवेरा जेल। शाइन चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं टेक्सचर, तो ज़रूर यूज़ कीजिए। उसके अलावा मैं अपने हेयर में ये वाली मेहंदी लगाती हूँ, इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। ये नूपुर की हिना है और ये काफ़ी अच्छी है, और मैं कैसे लगाती हूँ ये डिटेल्स आपको मेरे उस वीडियो में मिल जाएंगी, उसका लिंक मैं यहाँ पर डाल दूँगी वीडियो का, आप देख लीजिएगा। तो यही वाला हिना मैं यूज़ करती आ रही हूँ काफ़ी टाइम से, और यही मुझे पसंद है। कुछ चीज़ें मेरे लिए ऐसी हैं जो मैं कभी चेंज नहीं करना चाहती और कभी नहीं करती, जैसे ये शैम्पू है ट्रेस्मी का, मैंने कभी चेंज नहीं किया, सिर्फ आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो मैंने सनसिल्क परचेज़ किया, अदरवाइज़ मैं वो भी नहीं परचेज़ करती। और उसी तरीके से ये हीना है, हीना भी मैं चेंज नहीं करती हूँ, ये हीना मुझे बहुत पसंद है, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा कलर दे देती है और नेचुरल ही लगती है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। अब उसके बाद बात आती है कि बालों को वॉश करने के बाद मैं क्या यूज़ करती हूँ, तो मैं ये यूज़ करती हूँ लिवोन का हेयर सीरम, देख लीजिए कितना सा है, और ये एक बॉटल नहीं है, ये भी मैं अपने कॉलेज टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और ये बॉटल मुझे बहुत पसंद है, लिवोन का ये हेयर सीरम बहुत 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 पसंद है, क्योंकि ये फ्रिजीनेस को तुरंत ख़त्म कर देता है। अगर आपके बाल बहुत उलझे हुए हैं तो इसको लगा लीजिए, सारी उलझन ख़त्म हो जाएगी, बाल टूटने से बच जाएंगे, झड़ने से बच जाएंगे आपके। और ये है वो करी लीव्स का पाउडर जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, पूरा बॉक्स भरा हुआ था, अभी ख़त्म होने वाला है, एक बार का इस्तेमाल ही बचा है, तो ये मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ अपने हेयर पर, डैंड्रफ भी चली जाती है इससे, और बालों का जो ग्रोथ है वो भी होना स्टार्ट हो जाता है, ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है, और हमारे जो बाल हैं वो टूटने से बच जाते हैं। तो ये भी मैं एक बार ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, वीक में एक बार, 10 दिन में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी ऐसा अपना हेयर केयर रूटीन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ध्यान आपको ये रखना है, शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल, आप कुछ भी यूज़ करें, अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, बाल हैं यार बहुत कीमती हैं, चले जाते हैं तो वापस से नहीं आते हैं, और एक ईयर के बाद तो आना ही बंद हो जाते हैं।
तो गंजापन बताने दीजिए, बालों को झड़ने से टूटने से बचाइए। सप्लीमेंट्स ले सकते हैं तो सप्लीमेंट्स ज़रूर लीजिए हेयर फॉल को रोकने के लिए। एंड मैं सप्लीमेंट्स कोई नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं आंवला जूस का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, जो कि बालों को झड़ने में टूटने में बहुत हेल्प करता है, उनको कम कर देता है, मतलब ना के बराबर होते हैं। तो आंवला जूस का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, या आंवला एक आंवला डेली खाइए, या उनके कैप्सूल्स भी मार्केट में आते हैं तो वो भी आप खा सकते हैं। बस अपने बालों का ध्यान रखिए। तो ये था मेरा हेयर केयर रूटीन स्पेशली विंटर्स का। समर्स जब आएंगी तो मैं समर्स का भी अपलोड कर दूँगी, वो भी आप देख लीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। आ गई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यों नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।